कैसे देख तो बिना मुंडी तो वहां पे कम से कम ऐसा एक आंदोलन आप पूरा कीजिए कि जहां उत्तर प्रदेश से 15,000 लोग हो, बाहर के लोग बाहर बैठे जहां भी बैठे, आपको इस आंदोलन करने का और लखनऊ में करने का 19 दिसंबर में करने का एक कारण मैं आपको बताऊंगा। हम ये चाहते हैं कि हम जो ज्येष्ठ नागरिक है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए आंदोलन है, ये तो बात मानते हैं। अब ये हम राज्य की व्यवस्था में जो लोग हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो या ये व्यवस्था हो, ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो, या पॉलिटिकल जो भी नुमाइंदे हो, कोई भी पार्टी के, उससे मतलब नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जमाव देख के हम उनको ये इतला कर दें, ये उनको संदेशा दे, ये बता दे कि देखो भाई, इतने बड़े वृद्ध समाज को, इतने बड़े ज्येष्ठ भारतीयों को लांघ के आप नहीं जा सकते, उनको छोड़ के तुम्हारा पॉलिटिक्स नहीं होगा। और ये तुम्हारे बाप यहाँ पे इकट्ठा है, इनको अगर लांघ के जाओगे और लात मार के पैर भी नहीं पड़ोगे तो तुम्हें श्राप मिल सकता है। तुम कोई भी हो, कितने भी बड़े हो, कल तुम्हें कम होने में टाइम नहीं लगता। इसमें कोई पार्टी पक्ष की बात नहीं है, हमने सभी पार्टियां देखी, सभी पक्ष देखे, हमारा पक्ष लेने वाला कोई नहीं है, हमने देखा। हम खड़े हैं, देखो मरना सबको है, सबको है, मुझे भी है, आपको भी। चॉइस आपके पास ये है, सड़ते सड़ते मरना है या लड़ते लड़ते मरना है। मरना तो है, अगर सड़ते सड़ते मरना है तो यहां बता, ठंड है, दिन भर भूखा रहना पड़ेगा, दिन भर एक बिस्किट पे रहना पड़ेगा, दिन भर तकलीफ उठानी पड़ेगी, बताओ। लेकिन अगर आपको लड़ते लड़ते मरना है तो कम से कम हाँ एक दिन के लिए आओ, सुबह आओ शाम को घर जाओ, लेकिन आओ। इतना हक सारे लोग जो काम करते हैं उनका आपका है, जो कर बैठे बात सही भी जो सही है। तो इसलिए आप जो यहाँ पे जमा हुए हैं, इनसे प्रार्थना है, अपने अपने जितने जिले आप सकते हो करो, आप चार चार पाँच पाँच लोगों की टीम बनाओ। इसी ढंग से हमको काम करना है कि हमारा अपना कार्यक्रम है, अपनी सदस्य संख्या बढ़ाइए, जो और संगठन के लोग हैं उनसे जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर मान लीजिए आपके यहाँ एचएल के लोग हैं, हम प्रार्थना करेंगे लखनऊ की टीम से कि एचएल वालों से प्रार्थना करें कि भैया अपने एचएल वालों को इकट्ठा कर लो, हम 2 मिनट अपनी बात उनसे कहना चाहते हैं। इस प्रकार से जो भी अलग अलग संगठन है उनको जोड़ने की कोशिश करें। मिश्रा साहब जैसे और भी जो कोई मूलधन लीडर होंगे, शायद कम होंगे यहाँ लखनऊ में, तो बड़े नेता है, उनको भी हम जोड़ने की कोशिश करें और सरकार की इच्छा शक्ति को जगाएं, जिससे हमारा काम बहुत जल्दी हो जाए। बाकी जो काम करना है कमांडर साहब अपने स्तर पर कर रहे हैं, योगी जी से मिलना है, मोदी जी को आमंत्रित करना है, जो भी करना है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी की ऐसी है, उसका फल जो है निश्चित रूप से हमें 100% दिखाई देगा। अब जो है एक छोटा सा संकल्प, ये जो है हमारा प्रण है, इसको हम 100% पूरा करके रहेंगे। उसके पहले 3 नारे, जोर से 3 नारे लगाइए, दोनों हाथ खड़े करके और नाभि से लगाइए कि हमारी आवाज केवल क्या हो मोदी जी तक नहीं, वहां तक पहुंचे, बस ईश्वर तक पहुंचे, परवरदिगार तक पहुंचे। यहां से आवाज लगाइए, जोर से आवाज लगाइए और दोनों हाथों से कमांडर साहब आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं, जोर से कहिए, दोनों हाथ ऊंचे उठा के कमांडर साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो आपने मुझसे कह दिया, लेकिन आपको करके दिखाना है, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा, पैरों से बोल के गए हम तुम्हारे साथ हैं। भाई भाई मजदूर मजदूर भाई भाई पेंशनर्स पेंशनर्स भाई भाई लड़कर
95 आंदोलन, उसके पहले एक ऑर्डर आया, नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना दरबार, नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना।